दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 12 के कंटेस्टेंट्स के लिए स्पेशली ये हफ्ता बहुत ही बड़ा रहा। ऐसे मौके अब तक आइडल सीजन 12 में दो ही बार आए हैं। पहला जब बॉलीवुड के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर कहे जाने वाले एआर रहमान सर आइडल के मेहमान बने थे, तब उनकी एंट्री पर कंटेस्टेंट भावुक हो गए थे। और एक दूसरा मौका इस बार का, यानी कि लेटेस्ट एपिसोड आशा जी का। आशा जी की जब एंट्री होती है तो उन्हें भी देखते हुए हर कोई भावुक हो गया। यहाँ तक कि आइडल की जज सोनू कक्कड़ भी अपनी आंखों से आंसू पोंछती हुई नजर आई। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इन्हें बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री की देवी यानी कि सुरों की मल्लिका कहा जाता है। अब एक तरह से ये खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इस बार के हमें लेटेस्ट एपिसोड में मिलने वाले हैं टॉप 6 कंटेस्टेंट। जी हाँ, यानी कि होने वाला है एविक्शन। तो बता दें कि इस बार के बॉटम 3 कंटेस्टेंट जो होंगे वो बहुत ही शॉकिंग होने वाले हैं और इन्हीं में से कोई कंटेस्टेंट बाहर होगा। तो आशीष कुलकर्णी, निहाल ताउरो और शनमुखा प्रिया, ये 3 कंटेस्टेंट होंगे जो बॉटम 3 में होने वाले हैं। नाम लेते ही शनमुखा प्रिया की आंखों से आंसू आ गए। खुद साइली कामले भी रोती हुई दिखी। सभी के चेहरे उतरे हुए थे। अभी ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि कौन सा कंटेस्टेंट बाहर होगा। ये देखने के लिए हमें एपिसोड के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा कंटेस्टेंट बाहर होने वाला है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ।